देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का हुआ समापन। पिछले कुछ दिनों से परमात्मा के घर में न्याय के भगवान माने जाने वाले न्यायविदों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल पूरे देश भर से न्यायविद, संस्था के न्यायविद प्रभाग और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा आयोजित नेशनल जूरिस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्यायविदों का उदय विषय के तहत हुए इस कॉन्फ्रेंस का प्रेरणादायी विचारों एवं सकारात्मक निष्कर्षों के साथ समापन हो गया। इस समापन सत्र में मुख्य अतिथियों में न्यायविद प्रभाग की चेयरपर्सन नई दिल्ली से बी के पुष्पा, वाइस चेयरपर्सन इंदौर से जस्टिस बी डी राठी, ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी बी के सी ए ललित, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट जी वी राव, हैदराबाद से जूरिस्ट विंग के पैट्रॉन जस्टिस ईश्वरैया, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बागेवाड़ी से बी के विद्या समेत अन्य वक्ताओं ने विषय के तहत अपने विचार रखे। परमात्मा तो हर एक मनुष्य के जीवन से ही इन सभी समस्याओं को दूर करने आए हैं और अब वही ही परिवर्तन का समय है और ऐसी ही दुनिया लाने के लिए ही परमात्मा हम सबको इस अध्यात्म की ताकत देते हैं। आप सबको ये लगता हो कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये भी लगता हो कि हमें हमारे साथियों तक ये बातें पहुंचाना चाहिए, किंतु वे कारण अकारण यहाँ नहीं आ सकते, तो आप अपनी बहनों से सेवा केंद्र पर संपर्क करिए। जूरिस्ट विंग आपकी सेवा के लिए वहाँ भी उपस्थित हो जाएगी। आपकी बार में, आपके शहर में हम प्रोग्राम आयोजित करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, उस राजयोग के द्वारा हमारे जीवन जीने की जो प्रतिदिन की लाइफ में कई बातें आती है, उसमें जो हमें निर्णय लेने होते हैं, वह बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और सबको संतुष्ट करने वाले निर्णय हम ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज आपको सिखाता है, दैट इज दैट वी नो दैट वी आर अ क्रिएशन ऑफ अ डिवाइन पावर एंड वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर अटैच्ड टू अ डिवाइन पावर। न्याय प्रणाली में आध्यात्मिकता का समावेश कर हर कार्य परमात्मा की याद में करने से कैसे सत्य असत्य में निर्णय शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इस पर न्यायविदों एवं प्रबुद्ध वक्ताओं ने चर्चा की। न्याय प्रणाली से जुड़ी कई गहन बातों पर मंथन किया गया। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर अपने जीवन में राज्यों की भूमिका को पहचान उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया। हमारा यही लक्ष्य है पढ़ाई का कि हम अपने में दैवी गुण धारण करें, तो जब हम सब ऐसे दैवी गुण वाले बन जाएंगे तो दुनिया स्वर्ग बन जाएंगे। राजयोग अभ्यास से यूपीएससी में मिली अच्छी रैंक। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर यूपीएससी में 101 रैंक लेकर पूरे करनाल में अपने माता पिता, गुरुजन व शहर का नाम रोशन करने वाले मनस्वी शर्मा का भव्य सम्मान किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मल ने मनस्वी शर्मा को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पिता हिसार यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर राधेश्याम शर्मा एवं माता गवर्नमेंट कॉलेज की प्राचार्य रेखा शर्मा भी मौजूद रही। मनस्वी शर्मा ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि जब वो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू गए थे, वहाँ से उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेंथ मिली। लगभग 2 वर्षों से निरंतर वो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में पढ़ाई के समय सेवा केंद्र पर सुबह शाम जो गीत बजते थे उनको सुनकर ही वे अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। इतना मधुर संगीत चलता है, वो मेरे लिए प्रेरणा होता था कि आपको 5 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठना है और फिर वो शाम तक 7 बजे बजता था। वो मेरे लिए एक और घंटी थी कि अब तुम्हारा टेस्ट देने का टाइम आ गया है। तो मैं तो निरंतर डेली इस संस्थान का पार्ट रहा हूँ और मौजाबो भी मुझे जाने का अवसर मिला है। वहां से जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेंथ मिली है वो तो अतुल्य है। तो मैं ये मानता हूँ मेरे बच्चों पर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और बहनों का इतना प्रताप है। प्रत्येक व्यक्ति स्नेह रखता है, लेकिन मैं
आप सबके सामने कह रहा हूँ इन बहनों का और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हमारे परिवार पर बहुत ज्यादा प्रेम प्यार और स्नेह। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ नियमित रूप से आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ले जा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, आपके बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और परिवार वालों को। जवानों के लिए तनाव मुक्ति एवं स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेस थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट विषय के तहत कोलकाता में स्थानीय सेवा केंद्र एवं संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आर्मी के ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर सेशन का आयोजन किया गया। अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, 8 मेजर जनरल, 200 ऑफिसर्स और उनके परिजन भी उपस्थित रहे। सेशंस को मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन, कर्नल बीसी सती, पूर्व डीजीपी एवं वेस्ट बंगाल के स्टेट इन्फॉर्मेशन के चीफ कमिश्नर वीरेंद्र ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही सकारात्मक विचारधारा के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। सभी वक्ताओं ने बैलेंस्ड लाइफ, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, पर्सनल ग्रोथ जैसे कई गहन विषयों पर मंथन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनआईटी कॉलेज स्थित थॉट लैब में विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया। इसके लिए मुख्य वक्ता के तौर पर बीके मुकेश और बीके चित्रा को विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। बीके मुकेश ने स्टडी टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट विषय पर हुए सत्र को उद्बोधित किया, तो वही बीके चित्रा ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। यह सत्र और राज्योग अभ्यास विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, ऐसा वक्ताओं ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र एनआईटी कॉलेज के स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन प्रोफेसर दीक्षित गर्ग, प्रोफेसर सुचि स्मिता की भी मुख्य उपस्थिति रही। स्थानीय प्रभारी बीके सरोज के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व ब्रह्म कुमारीज के बीच हुए एमओयू की श्रृंखला में फरीदाबाद स्थित संजय एन्क्लेव सेवा केंद्र द्वारा 10 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज किया गया। अभियान के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीरज शर्मा उपस्थित रहे। सभी मेहमानों का तिलक, बैज एवं पौधे के द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ से बीके सुभाष ने नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया तथा लोगों से नशे को छोड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में जवाहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुभद्रा, स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति, बीके शोभा, बीके सुधा द्वारा सभी को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। नृत्य नाटिका के मंचन द्वारा सभी से व्यसनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। परमात्मा ने कोई भी चीज गलत नहीं बनाई, हर चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल है। प्रभु की प्रकृति में कोई तकलीफ नहीं है, पर उसने साथ में ये भी कहा है, परमपिता परमात्मा ने इसकी इतनी मात्रा ले ली है, उस मात्रा से ज्यादा आप जाते हैं तो वो चीज नशे में ही तब्दील होगी। कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा हमारी दीदियों को कि वो समाज की जो भी ऐसी कुरीति होती है उसको लेके सकारात्मक कदम उठाती है। और सबसे पहले शायद मोबाइल के बारे में भी ब्रह्म कुमारीज ने ही कहना चालू किया, और आज आप देख रहे हैं कि इस ब्रह्म कुमारीज की बदौलत मोबाइल जैसे राक्षस के लिए क्लासेस लगने लगी, लोग हफ्ते में एक दिन मोबाइल छोड़ रहे हैं। हमारे युवा साथी इतना ज्यादा मन से कमजोर होते जा रहे हैं कि वो नशा का सहारा लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम नशा करके जो है इस कमजोरी को दूर कर लेंगे। कुछ देर के लिए उन्हें तो बहुत आनंद आता है, वो आनंद नहीं है, वो क्या है, वो एक नशा नाश नहीं करता है, सत्यानाश करता है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर झंडू फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोन्स मिनरल डेंसिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे बोन्स में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की मात्रा को जानने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। इस आयोजन में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी सुमित्रा सोनापति, पुरी से गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय से डॉक्टर प्रज्ञा मलिक, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी से डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद मिश्रा, हेल्थ सर्विसेज के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर निरंजन कर, डॉक्टर त्रिलोचन पानीग्रही समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। द हेल्थ सर्विसेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, द कंपनी एंड द डॉक्टर्स, द विंग्स ऑफ द हेल्थ विंग्स ऑफ द ब्रह्म कुमारीज, सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम
which is very much essential for our human life, to maintain our life, to have a healthy life. And I always expect a good life ahead for all my sisters and brothers. तो स्वास्थ्य के लिए मेडिकल विंग के द्वारा हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जारी रहता है, जिससे मन, तन, सराउंडिंग, सोसाइटी सबके स्वास्थ्य कायम रहे, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, हमारी स्वास्थ्य मजबूत हो, मन श्रृंखलित हो, तो हम कितनी सुंदर सा जीवन बना पाएंगे और संसार भी बना पाएंगे। आज का जो प्रोग्राम चल रहा है मेडिकल विंग और झांडू फार्मास्यूटिकल के सहयोग में, इस प्रोग्राम में हम हमारे बोन में मिनरल्स कैसे है, बोन मिनरल, चीफ मिनरल्स है कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसका पोजीशन जानने के लिए हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, इससे हमको पता लगेगा कि हमारा बोन में कैल्शियम का लेवल कैसे है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।